Good afternoon, everyone. I am Dr. Namit Gupta, practicing as a consultant neurologist in Gurgaon. I am looking after three hospitals: Max Hospital Gurgaon, Aryan Hospital Gurgaon, and Kalyani Hospital Gurgaon. So today I'll talk about epilepsy, जो मिर्गी की बीमारी या दौरे की बीमारी भी जानी जाती है. And important thing to realize कि जो मिर्गी की बीमारी है ये basically कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र और psychiatric illness इस तरह की बीमारी नहीं है. It's a neurological disorder and if diagnosed correctly and appropriately at the right time can be treated very easily. जो मिर्गी की बीमारी है, जो मिर्गी के दौरे रहते हैं, basically इसके होने के बहुत सारे कारण जाने गए हैं. एंड इट कैन हैपन ड्यू टू अर्ली चाइल्डहुड इंसल्ट. अगर पैदा होने के टाइम पे ब्रेन में किसी तरह की इंजरी रही हो, ब्रेन में ऑक्सीडेशन का प्रभाव ठीक से नहीं हुआ हो, तब उन बच्चों को ये बचपन से होती है. एडल्ट्स में इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि ब्रेन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना. इंडियन सेटिंग में जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन देखा जाता है वो ट्यूबरक्लोमा, ट्यूबरक्लोसिस और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस रहता है. बाकी ब्रेन में किसी भी तरह के दिमागी बुखार जैसे मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, ये सब दौरे पैदा कर सकते हैं. ब्रेन में किसी भी तरह की स्वेलिंग, ब्रेन ट्यूमर मिर्गी का दौरा पैदा कर सकती है. ब्रेन में किसी भी तरह का ब्लीडिंग होना, SDH, EDH, ये सब जो है दौरे की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं. और इसके जो लक्षण हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, अचानक से शरीर के किसी भी अंग में या पूरे शरीर में कभी कभी एक साथ मांसपेशियों में खिंचावट महसूस होना और आँखों का एक तरफ तन जाना और अनरेस्पॉन्सिव होना. मरीज उसमें बात करना बंद कर देता है, रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है, एक तरफ हो सकता है देखता रहे एंड सडनली फिर अनकॉन्शियस होकर गिर सकते हैं. हाथ पाँव में अकड़न आना या हाथ पाँव में झटके आना, ये सब डिफरेंट सिम्टम्स हैं मिर्गी के. नॉर्मली जो मिर्गी और जो दौरे की बीमारी है, अगर हम मोटा मोटा इसको क्लासिफाई करते हैं बेसिक लेवल पे, तो इट कुड बी फोकल एपिलेप्सी. फोकल एपिलेप्सी जिसमें जो भी ये प्रॉब्लम होती हैं नसों, ये मांसपेशियों में खिंचावट आना या झटका आना, वो शरीर के एक अंग से चालू होता है, जिसमें मरीज को कभी कभी थोड़े टाइम के लिए पता रहता है कि हाँ मेरे को कुछ होने वाला है, कुछ चीज़ चालू हुई है. और एक होता है जनरलाइज एपिलेप्सी, जिसमें मरीज को कुछ नहीं पता रहता और सडनली सब हाथ पाँव में खिंचावट या झटके आना चालू होते हैं. आँखें एक तरफ तन जाती हैं, मुँह से झाग आ सकता है, जीभ कट सकती है उस टाइम पर, और कभी कभी यूरिन वगैरह भी उस टाइम पे पास हो सकता है. और इसमें किसी भी तरह की मरीज को कोई मेमोरी नहीं रहती है, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है. एंड चाहिए एपिसोड 2-3 मिनट तक चले, पर उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 15-20 मिनट, आधा आधा घंटे तक पेशेंट जो है वो बेहोशी की हालत में या नशे की हालत में जैसा दिखा जा सकता है. रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इसमें हमें कारण क्या मिलते हैं. अगर ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोमा है, ब्रेन में किसी तरह का कीड़ा है, तो अगर उसका इलाज करते हैं तो उसको ठीक तरह से क्योर किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. ब्रेन में किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, ट्यूमर है, तो सर्जरी के द्वारा उसको निकाल के उसको ठीक किया जा सकता है. ब्रेन में किसी तरह का ब्लीडिंग वगैरह है तो उसको ऑपरेट करके ठीक करके किया जा सकता है. एंड बहुत बार जो प्राइमरी एपिलेप्सी होती है, जिसमें हमें कोई रीज़न नहीं मिलता, खाली जांच के द्वारा पता चलता है कि हाँ ब्रेन में किसी तरह का कोई स्पार्किंग या कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है, जो ईजी के ज़रिए हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी एपिलेप्सीज बोलते हैं, जिसमें MRI और CT स्कैन अक्सर नॉर्मल मिलते हैं, उनको भी मेडिकेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है. एंड एज पर डाटा 70-80% ऑफ दी पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एडिक्वेटली बाई मेडिकेशंस. ठीक है, 20-30% पेशेंट्स होते हैं जो कभी कभी मेडिसिन को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनके लिए हमें मल्टीपल मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 2 मेडिसिंस की, किसी को 3 मेडिसिन की. एंड फाइनली जो पेशेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं. सर्जिकल ऑप्शंस रीसेंट अपकमिंग इज डीप बेन स्टिमुलेशन, DBS, एंड क्लासिकली जो काफ़ी टाइम से करी जा सकती है एपिलेप्सी सर्जरी, वो भी जानी जाती है. तो एपिलेप्सी मोटा मोटा जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका सही समय पे डायग्नोसिस होना, पता करना और सही समय पे इलाज करना ज़रूरी है. और अगर ये चीज़ें करी जाएं तो 70-80% पेशेंट जो हैं वो ठीक हो सकते हैं. एंड नॉर्मली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मिर्गी की या दौरे की बीमारी होती है, ये जेनेटिक या पैदाइशी नहीं होती है और ना ही ये बच्चों में यूजली ट्रांसमिट होती है. एंड एज आई टोल्ड यू कि
इसको अगर एडिक्वेटली अच्छे से ट्रीट किया जाए, डायग्नोस किया जाए, तो अधिकतर पेशेंट्स को मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन के अलावा इसमें रोकथाम के लिए तीन चार चीज़ें हैं जिसका मरीज को खास ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन जो होती हैं वो टाइमली लेनी होती हैं, मेडिसिन का कोई भी डोज स्किप नहीं करना होता। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें नींद का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन एपिलेप्सी जिनका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि किसी भी वजह से अगर नींद गड़बड़ होती है, लेट नाइट जागना, कम सोना, नींद पूरा नहीं होना, या कच्ची नींद से कभी कोई जगा दे, तो उस टाइम पे दौरा पड़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें मिर्गी के मरीजों को ट्राई करना चाहिए कि रात को 10-10:30 के बियॉन्ड रात को नहीं जागना, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, और एटलीस्ट 6-8 आवर्स का स्लीप लेना मैंडेटरी है। सेकेंड थिंग अपार्ट फ्रॉम स्लीप इज़ डाइट। डाइट स्किप करने से, मील स्किप करने से, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करने से एपिलेप्सी और ये दौरे पड़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जो तीन हमारी मेजर मील्स हैं, इनको स्किप नहीं करना चाहिए, स्पेशली मिर्गी के दौरे के पेशेंट्स को जो मेडिसिन पे हैं। एंड किसी भी तरह का तनाव होता है तो वो दौरे पड़ने का रिस्क जो है उसको बढ़ा देता है। तो अनड्यू किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना, तनाव नहीं लेना है, टाइम पे खाना खाना है और टाइम पे सोना है और टाइम पे मेडिसिन लेनी है। थैंक यू।